हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से है योगा और अदर कोर्सेज के लिए, तो इस वीडियो में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो कोर्सेज अवेलेबल है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा के, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, इसके बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो विभिन्न कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, बीएड आदि, इन सभी कोर्सेज में जो एडमिशन है ये एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय और अदर यूनिवर्सिटीज के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूटी पीजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के योगा, बीएड, पब्लिक हेल्थ, मास कम्युनिकेशन आदि कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा के जो कोर्सेज अवेलेबल है इसके बारे में, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए एडमिशंस के लिए जो नोटिफिकेशन है सेशन 2024 के लिए, ये अप्रैल 2024 तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है इसके बारे में बताया जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के लिए जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसमें ऑल प्रोग्राम्स पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं इसके इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है एमए जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, इसमें जो एडमिशन है ये रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होता है। इसकी जो फी पर सेमेस्टर है 40,000 यूएस डॉलर में, जो फी पर सेमेस्टर है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए ये 2,400, और इसमें एज लिमिट है 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है, प्रोग्राम्स है ये एमए एजुकेशन, इसमें जो एडमिशन है ये रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे है। इसकी जो फी पर सेमेस्टर है 28,000, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए फी पर सेमेस्टर $2,000 यूएस डॉलर, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है एमए और एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 35,000 यूएस डॉलर में 2,200, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, आर्ट साइड कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर एमए कोर्स वाइल साइंस साइड कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर एमएससी कोर्स, ड्यूरेशन 2 ईयर्स। तो आर्ट साइड वालों को एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइंस साइड वालों को एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम है एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, एडमिशन जो है रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 60,000 और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए फी पर सेमेस्टर 3,500, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी पीएससी और बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी, बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिक्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स, ड्यूरेशन 2 ईयर्स। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये है एमएससी अप्लाइड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंसेज,
एडमिशन जो है रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 35,000, फी पर सेमेस्टर US डॉलर में 2,200, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी BSc बॉटनी और प्लांट साइज साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और बॉटनी ऑनर्स, BSc बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट साइंस और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और सी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, BAMS ग्रेजुएट्स इन दीज स्ट्रीम्स विद 50% और अबव मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है MA और MSc ह्यूमन कंसाइसनेस एंड योगिक साइंस, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 35,000, US डॉलर में 2,200, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, आर्ट साइड कैंडिडेट्स वुड बी एलिजिबल फॉर MA कोर्स वाइल साइंस साइड कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर MSc कोर्स, ड्यूरेशन 2 इयर्स। तो आर्ट साइड वालों को MA ह्यूमन कंसाइसनेस एंड योगिक साइंस और साइंस साइड वालों को MSc ह्यूमन कंसाइसनेस एंड योगिक साइंस की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है ये है, प्रोग्राम का नाम है MA म्यूजिक तबला एंड पखवाज, MA म्यूजिक तबला एंड पखवाज, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर में 23,000, फी पर सेमेस्टर फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए US डॉलर में 1,500, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और पखवाज विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न विद मिनिमम 50% मार्क्स, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MA म्यूजिक वोकल, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 23,000, फी पर सेमेस्टर फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 1,500, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक विद मिनिमम 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद प्रभाकर इन म्यूजिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MA हिंदू स्टडीज, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 23,000, फी पर सेमेस्टर फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 1,500, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MA फिलोसफी, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी पर सेमेस्टर 23,000, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 1,500 US डॉलर, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MSc इन योगा थेरेपी, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 35,000, फी पर सेमेस्टर फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 2,200 US डॉलर, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी BSc योगिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट कोर्स है MA प्रोग्राम है MA संस्कृत, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, फी पर सेमेस्टर 23,000, फी पर सेमेस्टर US डॉलर में 1,500, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी पर सेमेस्टर 45,000, फी पर सेमेस्टर फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 2,500, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MA हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी पर सेमेस्टर 28,000, US डॉलर में फी पर सेमेस्टर 2,000, एज लिमिट 30 इयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 कोर्स पैटर्न, ड्यूरेशन 2 इयर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है MA और MSc इन योगिक साइंस एंड अल्टरनेटिव थेरेपी,
एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी पर सेमेस्टर 35,000 US डॉलर में, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 2,000, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न, ड्यूरेशन 2 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लेवल के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम है PG डिप्लोमा थियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी इंडियन कैंडिडेट्स के लिए 23,000, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 1,500 US डॉलर, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न, ड्यूरेशन 1 ईयर। नेक्स्ट प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन ह्यूमन कंसाइसनेस योगा, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी फॉरन कैंडिडेट्स के लिए 2,200 US डॉलर, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी ओनली फॉर फॉरन कैंडिडेट्स, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉलोइंग 10+2+3 पैटर्न, ड्यूरेशन 1 ईयर। नेक्स्ट प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एडमिशन रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, फी पर सेमेस्टर 35,000, फॉरन कैंडिडेट्स के लिए 2,200 पर सेमेस्टर US डॉलर, एज लिमिट 30 ईयर्स, एलिजिबिलिटी फर्स्ट ग्रेजुएट विद टीचिंग डिग्री BEd MEd, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू टीचिंग एक्सपीरियंस, सेकेंड BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, थर्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी एरिया ऑफ साइकोलॉजी MSW चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशल एजुकेशन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ऑल, टारगेट ग्रुप इज 50%, ड्यूरेशन 1 ईयर। तो यहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के जो अवेलेबल कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा लेवल के, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 1941151394 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।